स्वागत है फिर से आपका मेरे चैनल पर। ये मेरा फर्स्ट वीडियो रहेगा अवेयरनेस के लिए। हाँ, कल रात में मीन्स ऑलमोस्ट रात में 8 बजे घर जाते वक्त आई मेट विद एन एक्सीडेंट। एक नॉर्मल सा एक्सीडेंट हो गया जिसमें एक एम्बुलेंस को साइड देते हुए पीछे से आके साइड दिया था मैंने उसको, और उसने पीछे से आके मुझे ही ठोक दिया। तो ऑलमोस्ट लेफ्ट साइड में क्रैश हो गया, थोड़ा सा शोल्डर में पेन अभी भी है, कुछ अभी दिखाना पड़ेगा वो शायद से, पता नहीं फ्रैक्चर वगैरह हुआ हो गया रहेगा शायद से, ऐसा लग रहा है मुझे। कल रात में तो उतना लगा नहीं क्योंकि गाड़ी खुद मैंने ही उठाया सब, मीन्स एम्बुलेंस वाला भी रुका था बट उस पर पेशेंट था और उसको घाई थी, तो उसके लिए मैंने उसको जाने दिया क्योंकि ठीक नहीं है वो एम्बुलेंस को रुकाने के लिए। तो ऑलमोस्ट ज़्यादा भी हो सकता था मेजर, बट गार्ड जो मैंने गाड़ी पर लगाया उसकी वजह से काफ़ी सारा मीन्स कम, मीन्स बोल सकते हैं इंजरी काफ़ी हद तक कम हो गए। तो कुछ रहेगा एंड में, वीडियो के एंड में सजेशन भी दूंगा मैं तुमको, मीन्स गार्ड्स क्यों ज़रूरी है, हैंडल गार्ड्स हो गया और साइड गार्ड हो गया। तो चलिए आगे का व्लॉग बता, अभी आपको गार्ड बताता हूँ मेरा क्या हुआ है गार्ड्स को मीन्स, और बाकी का भी डिटेल देता हूँ आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके। तो ये है मेरा गार्ड, यहाँ पे पूरा, यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट हो गया, ऑलमोस्ट टूट जाता था अगर मेरा गार्ड मीन्स, ये तो पूरा टूट जाता था अगर मेरे पास ये एसएस कस्टम्स का मैंने अगर गार्ड नहीं लगा होता तो। और ये देखिए पूरा लूज हो गया है, शायद से अब इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ये तो पूरा डैमेज हो चुका है ऑलमोस्ट। फ्रेम स्लाइडर मीन्स ऑलमोस्ट पूरा मीन्स जो ये मीन्स जो क्रैश था उसने पूरा मीन्स पूरा इम्पैक्ट अपने ऊपर ले लिया और ये पूरा ख़राब हो गया, शायद से इसको रिप्लेस भी करना पड़ेगा मुझे, देखते हैं। अभी हल्का सा बेंड हो गया है, अगर इस जगह पे ये स्टॉक वाला ही रहता सिर्फ तो पैर का तो बोल सकता था, मेरा पैर का तो पूरा मीन्स वाट लग जाता था। ये थोड़ा सा लूज़ हो गया और थोड़ा टूट भी गया शायद, ठीक है बट चालू है ये शायद, इसको चेक करूँगा मैं चालू है कि नहीं, बट ये पूरा लोड इधर आ गया उसका, और उसके बाद बाकी तो किधर मुझे दिख नहीं रहा है बट यहीं पर। और ये गार्ड थोड़ा सा अंदर गया है क्योंकि इस पर स्टॉक गार्ड पे लगाया था, इसकी वजह से थोड़ा सा अंदर गया है, और ये पाइप हल्का सा बेंड हो गया है क्योंकि ये सुपर स्ट्रॉन्ग पाइप लगाया मैंने, इंजन को भी कुछ नहीं हो गया इससे। और बाद में बाकी तो कुछ चेंजेस दिख नहीं रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा डैमेज हो गया है इधर नीचे, गार्ड ने मीन्स गार्ड का थोड़ा सा लग गया इधर नीचे। और बाकी हैंडल गार्ड का बताते, हैंडल गार्ड है ना, हैंडल गार्ड पूरा मीन्स ऑलमोस्ट पीछे आ गया था, तो मैंने जल्द से जल्द क्या किया इसको उसी वक्त सही कर लिया। अगर से क्रैश गार्ड हैंडल गार्ड नहीं होता इस जगह पे तो यार मेरा हाथ का तो कुछ बोल सकता नहीं था मैं। देखिए नंबर प्लेट भी बेंड हो गए, तो सोचिए ऑलमोस्ट क्रैश तो काफ़ी बड़ा हो गया है। रात में कुछ समझा नहीं मुझे, और बाकियों की तरह एक्शन गेम लगा कि मैं कुछ फोटो व्लॉगिंग करता नहीं हूँ, तो कुछ नहीं। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा मीन्स इस पर पूरा इम्पैक्ट हो गया, यहाँ पर ये भी पूरा घस गया है, बट विंडशील्ड टूटा नहीं क्योंकि ये विंडशील्ड थोड़ा स्पेशल है इसके लिए टूटा नहीं। और बाकी हैंडल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, लेफ्ट साइड में गिरा था मैं तो लेफ्ट साइड में पूरा हैंडल झुक गया है, तो इसकी वजह से हैंडल का भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। सो ओवरऑल कस्टम क्रैश गार्ड्स की वजह से पैर और कस्टम हैंडल गार्ड की वजह से हाथ मेरा सेफ है आज, थोड़ा सा एक मोच आया बोल सकते हैं लेफ्ट शोल्डर में, बट वो माइनर रहेगा, देखते हैं अभी मेरे को एक्सरे वगैरह निकालना पड़ेगा उसके बाद ही समझेगा। बट क्रैश गार्ड ज़रूर, क्रैश गार्ड पे तो बोलना चाहूँगा, कोई भी क्रैश गार्ड लगाओ बट स्टॉक क्रैश गार्ड के ऊपर भरोसा मत रखो क्योंकि कब क्या होगा बोल नहीं सकते, तो कल मेरे साथ हो गया, आगे किसी के साथ भी हो सकता है। बड़ा अच्छा करने जा रहा था, साइड दे रहा था एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस वाले ने मुझे ही ठोक दिया, और क्या बोला अभी आपको, गार्ड तो ये शायद से अभी स्टॉक गार्ड पूरा चेंज करना पड़ेगा, पूरा ख़त्म हो गया है, या फिर उसमें ही स्ट्रेंथ ऐड करना पड़ेगा मुझे, अभी मैं तो खुद कर सकता हूँ बोल के कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देखते हैं अभी। हाँ देखिए आप देख सकते हो, तो देखिए ये दोनों गार्ड्स, तो एक पूरा अंदर चला गया है और एक पूरा बाहर है क्योंकि इम्पैक्ट लेफ्ट साइड में हो गया था, तो लेफ्ट साइड वाला घूम गया है थोड़ा सा घूम गया है, बट गार्ड के वजह से मेरा काफ़ी सारा लॉस मीन्स मेरे बॉडी का लॉस जो भी होता था वो काफ़ी सारा बच गया है, अभी तो एक्सरे के बाद ही पता चलेगा क्या निकलेगा, ठीक है।
ये शायद से थोड़ा बाहर आ गया है, ये हिस्सा नंबर प्लेट बेंड हो गया है। उसके बाद विंडशील्ड के इधर पूरा मीन्स स्क्रैचेस आए, हैंडल गार्ड तो पूरा मीन्स पीछे आ गया था। अगर सोचो इसके जगह प्लास्टिक का भी हैंडल गार्ड होता ना तो भाई कसम से हाथ तो मेरा, क्योंकि कल सिर्फ मैंने कल, हर रोज़ पहनता हूँ मैं जैकेट, बट कल मैंने जैकेट नहीं पहना था और ग्लव्स भी नहीं पहना था, रात में लेट हो गया तो जल्दी जल्दबाजी में। तो ये गलती मत कीजिए और हमेशा सेफ्टी के साथ ही ट्रैवल करें। हेलमेट कभी छोड़ता नहीं हूँ मैं, कितना भी गर्म हो कुछ भी हो, तो हेलमेट ने तो सर बचा लिया मेरा। हेलमेट पर ऐसा कुछ इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है, शायद से हाथ के ऊपर ही पूरा सारा लोड आ गया, लेफ्ट हाथ के ऊपर ही है, ये हिस्सा पूरा दुख रहा है। देखते हैं, हैंडल गार्ड को भी सही कर लेता हूँ और देखता हूँ कहाँ कहाँ से बेंड हो गए, फिर से उसको रिवर्क करके सही कर देता हूँ, हो जाएगा रिवर्क। हैंडल गार्ड मेटल का है, प्लास्टिक का नहीं है, जो टूटने के बाद ख़त्म हो जाएगा। और क्रैश गार्ड को भी थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेंगे। देखिए एट द एंड यही बोलना चाहूँगा कि स्टॉक जो क्रैश गार्ड्स होते हैं वो कुछ काम के नहीं है, डायरेक्टली बोल रहा हूँ आपको, कुछ काम के नहीं है। तो उसके जगह पे आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश कीजिए कि किसी का भी कस्टम क्रैश गार्ड लीजिए, कोई भी इसका, या खुद बनाइए चेंजेस करके, या फिर स्टॉक जो गार्ड होता है उसमें चेंजेस करिए, ताकि फ्रेम स्लाइडर्स क्या होता है क्रैश में, फ्रेम स्लाइडर पूरा लोड अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे कि मेरे सीन में आपने देखा है क्रैश गार्ड ने पूरा मीन्स अपने ऊपर लोड ले लिया है, उसकी वजह से मेरे पैर को कुछ हुआ नहीं, हल्का सा कुछ मीन्स ऑलमोस्ट पैर को कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ हाथ पे थोड़ा सा झटका बैठ गया क्योंकि लेफ्ट में गाड़ी गिरा था। तो यही बोलना चाहूँगा कि क्रैश गार्ड जो भी लेंगे ठीक से देख के लीजिए, या मैं कोई प्रोमोट नहीं कर रहा हूँ मेरा एक सीरीज़, क्योंकि मैं खुद बना के सेल भी नहीं करता हूँ वो, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो किसी का भी लीजिए पर लीजिए, थैंक यू। काफ़ी लोग बोलते थे मुझे कि ये इतना सारा एक्सरीज लगे गाड़ी पे घूमता हूँ, तो इसी डे के लिए मीन्स ये एक्सरीज लगाए, तो कुछ होता नहीं है बाइक में, थोड़ा सा वेट वगैरह ऐड हो गया तो, बट ये आपके लिए सेफ रहता है। क्रैश गार्ड्स हो गया, कैरियर भी काफ़ी हद तक पीछे इनको बचाते हैं अगर उस पर बैग वगैरह लोडेड रहेगा तो। उसके बाद हैंडल गार्ड तो मस्ट है, मैं सजेस्ट करूँगा हैंडल गार्ड, हो सके तो एल्यूमिनियम के ही, देखो क्रैक पता तो नहीं अभी ब्रांड्स के नाम नहीं बताऊँगा, बट मेटल के ही देखो ज़्यादातर, तो प्लास्टिक के कुछ काम में आते नहीं है। और क्रैश गार्ड स्टॉक कभी भी अवॉइड कीजिए और कस्टम ही लीजिए, ताकि वो आपको हमेशा सुरक्षा रख सके। हेलमेट काफ़ी ज़रूरी है, विंडशील्ड वगैरह कुछ इतना ये नहीं है, मुझे उसका कुछ ज़रूरत पड़ता नहीं है, हैवी अगर हाई स्पीड में चलाते हो उसके लिए ठीक है, बट क्रैश गार्ड और हैंडल गार्ड प्लीज़, अगर आप बाइक डेली चलाते हो तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, थैंक यू। मैंने बोल रहा हूँ कि सारे एक्सेसरीज आप परचेस कीजिए, बट आप कम से कम जैकेट, हेलमेट और ग्लव्स तो ले ही सकते हो ना, और नॉर्मल नी पैड वगैरह भी ले सकते हो। कल मैंने नी पैड वगैरह भी नहीं लगाया था, तो भुगतना पड़ा है मुझे थोड़ा बहुत उसकी वजह से। अगर कल जैकेट होता तो शोल्डर पे कुछ इफेक्ट होता ही नहीं जैकेट की वजह से, और ग्लव्स होता तो हाथ पे, और हाथ पे तो कुछ हुआ नहीं है, बट फिर भी ग्लव्स रहना चाहिए। आगे से कोशिश करूँगा कि सारे सेफ्टी गियर्स के साथ ही राइड करूँ। तो ये तो नॉर्मल सिटी का राइड है, किधर रोज़ मीन्स अप डाउन जो जॉब के लिए करता हूँ मैं, उसी पर मीन्स आते वक्त रात के मीन्स 8 बजे के वक्त ये हुआ है, और होपफुली मैं रोड पर नहीं गिरा, मैं रोड के साइड में गिर गया जाके मीन्स लेफ्ट साइड में, तो उसकी वजह से उधर धूल मट्टी था, उसकी वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कम हो गया, अगर रोड पे गिरता तो और थोड़ा ज़्यादा होता था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, एक अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया था, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जैसे बताया था शोल्डर पेन हो रहा था, तो एक नॉर्मल इंजरी आया है शोल्डर पे, लेफ्ट शोल्डर पे, तो हो जाएगा ठीक एक हफ्ते भर में, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो क्रैश गार्ड्स और नकल गार्ड की वजह से ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, थोड़ा सा मोच आया था लेफ्ट शोल्डर में, जिसकी वजह से थोड़े दिन के लिए बेल्ट लग जाएगा, और उसके बाद फिर से बाइक चालान चालू करूँगा। तो कस्टम का वर्क्स आई गेस ऑलमोस्ट 2 वीक तक बंद रहेगा, तो न्यू एक्सेसरीज वगैरह डेवलपमेंट ऑलमोस्ट 1 से 2 वीक तक बंद रहेगा शायद से, हो सके तो दूसरे से करके लूँगा। ओके, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट्स।